गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शांडिल्य गोत्री अजय मिश्र जी हैं। इनका एक प्रश्न है जो कि सार्वजनीन है, बहुत ही श्रेष्ठ है। देखिए, ये कह रहे हैं कि आचार्य श्री को सादर प्रणाम, एक शंका का समाधान करें कि जो लोग लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर के ट्रेन बस आदि में यात्रा करते हैं, सदैव अपने साथ लेकर घूमते हैं, शयन कक्ष में रखकर सोते हैं, पक्ष अवक्ष समस्त पदार्थों का भोग लगाते हैं, क्या यह शास्त्रीय है? शास्त्र की दृष्टि से क्या यह ठीक है? इसका निराकरण करने की कृपा करें। तो देखिए, आप लोग समझिए, पहली बात तो यह है कि मूर्ति की पूजा करना यह शास्त्रीय है, वेदों में इसका वर्णन है, परंतु हमें इसमें अर्धजत्रीय अर्ध कुकुटीय न्याय न लगाना चाहिए। प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते हैं कि लोग धार्मिक कार्य तो करते हैं परंतु मनमाने ढंग से करते हैं, क्योंकि ये कोई कर्म है। मूर्ति की पूजा होनी चाहिए, मूर्ति में भगवान रहते हैं, ये कहाँ से जाने, ये हमने वेदों से जाना, परंतु उसकी पूजा कैसे करें, मूर्ति में भगवान कब आते हैं और कब चले जाते हैं, क्या इसका विधान है, तो ये हम अपने मनमानी ढंग से करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। माना कि यूं करते हैं कि आज कोई मुर्गी को पाले और सोचे कि भाई आधी मुर्गी को काट करके खा लेते हैं खाने वाले, और आधे से जो है वो अंडे देने के लिए रख देते हैं, तो ये त्रिकाल में भी कभी भी ये जो है संभव नहीं है। इसी को कहते हैं अर्ध कुकुटीय न्याय। तो इसी प्रकार कोई चाहे कि आधी बात हमने अपने मन की मान ली और आधी शास्त्र की मान ली, तो वो व्यक्ति कभी भी विजय विभूति श्री को कीर्ति को लाभ को धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। ये धर्म सम्राट का न्याय है, शास्त्रों का न्याय है, वेदों में प्रतिपादित विषय है। तो मूर्ति किस किस की होनी चाहिए, कितनी प्रकार की मूर्ति होती है, एक बात। दूसरी बात, मंदिर की मूर्ति में और घर की मूर्ति में क्या भेद होता है, घर में कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, मंदिर में कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, और क्या घर में भी स्थिर प्रतिष्ठा हो सकती है, घर में क्या पाषाण की मूर्ति भी रखी जा सकती है, क्या हम लोग चित्रपट आदि रखते हैं वो चित्रपट जो है रख सकते हैं, कितने बड़े चित्रपट रख सकते हैं, ये सब बात आप देखें शास्त्रीय ढंग से। और जैसे पंडित जी ने भी प्रश्न पूछा है कि लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं ला सकते हैं, वो आप ये समझेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि भाई लड्डू गोपाल की मर्यादा क्या है, कैसे हम ले जा सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में ही जो है मूर्ति त्वष्ट विधा प्रोक्ता, आठ प्रकार की मूर्तियों का विधान किया गया है। तो एकादश स्कंद के 27वें अध्याय में 12वें श्लोक के रूप में भगवान व्यास का जो है वचन है कि शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता, प्रतिमा आठ प्रकार की कही गई है, जिसमें जो है शैली माने शिला की पत्थरनुमा, और दारुमयी लकड़ी की भी मूर्ति होती है हमारे यहाँ, ये जो है जगन्नाथ स्वामी जो है दारुमयी ही हैं, लकड़ी के हैं। लौही माने धातुमयी, किसी भी धातु की। लेप्या यानी मिट्टी चंदन इत्यादि से लिखी हुई, उसको लेप्या कहते हैं। लेख्या माने जो है चित्रमयी, चित्र से अंकित छपी हुई। और सही करती माने बालुमयी, तो ये बालुमयी ही मूर्ति को जो है गोपियां भगवती कात्यायनी का स्वरूप बालुमयी बना करके उनकी अर्चना करती थी, और उन्हीं की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को भी प्राप्त कर सकी। और मनोमयी अपने मन में ही ठाकुर को बनाना और अपने इष्ट देव का निर्माण करना और उनका विधिवत पूजन करना, उस मूर्ति को कहते हैं मनोमयी। और मणिमयी है ना, हीरा मूंगा पन्ना है ना, पुखराज पुष्पराज जिसे कहते हैं, इत्यादि विभिन्न प्रकार की मणियों की, स्फटिक आदि की मणियों की बनी हुई प्रतिमा,
ये सब प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, आठ प्रकार की प्रतिमाएं कही गई हैं। और जो प्रतिष्ठा होती है वो प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल माने मूर्ति को कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं, वो चल प्रतिष्ठित होते हैं। अचल प्रतिष्ठा जैसे पाषाणमयी मूर्ति है, जैसे शिवलिंग को देखा है मंदिरों में, शिवलिंग को जो है स्थापित कर दिया जाता है, उनको उठा नहीं सकते, स्थिर रहते हैं, उनको स्थिर प्रतिष्ठा कहते हैं। तो घर में ये आठ प्रकार की मूर्ति बताई है, उनमें से किन किन की मूर्ति को घर में रख सकते हैं, किस किस पदार्थ की बनी को रख सकते हैं और किसको नहीं रख सकते हैं वो देखिएगा। ये जयाख्या नाम की जो है एक संहिता है, उसमें 2069 उसका वचन है, न कार्यम शैलजम गेहे दारुजम वाथ मृणमयम। घर में कभी भी मूर्ति को शैलजम पत्थर की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। शालग्राम और नर्मदेश्वर जी को रख सकते हैं, या अन्य वचन है। सामान्य रूप से किसी भी प्रतिमा को, ये तो निराकार रूप में नर्मदेश्वर और ये जो है नर्मदलिंग कहिएगा, ये और मुख्य रूप से ये शालग्राम, ये शालग्राम शिला को रख सकते हैं, परंतु और किसी भी पाषाणमयी मूर्ति को, मूर्ति बनी हुई को नहीं रखना चाहिए। और दारुजम लकड़ी की भी प्रतिमा को घर में रखना ठीक नहीं है। मृणमयम मिट्टी की भी प्रतिमा घर में नहीं रखी जाती। अगर किसी दिन पार्थिव पूजन करना है और या तत्काल में बना करके विसर्जन कर देना है, चाहे दुर्गा जी की हो, गणपति की हो, या जो किसी की भी हो, शिवलिंग हो, तो वो बनाया जा सकता है, परंतु मिट्टी की प्रतिमा को बना करके घर में रख करके और बहुत दिनों तक पूजा करना, प्रतिष्ठा करके, ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए निषेध किया गया है। और सभी रख सकते हैं, धातु की, मणि की, जैसे जिसमें आई चित्रमयी, मनोमयी, वो सब मूर्ति घर में हो सकते हैं। केवल ये तीन नहीं रखना चाहिए, शैलजम, दारुजम और मृणमयम। तो अब ये प्रतिष्ठा होती है दो प्रकार की, चल और अचल। तो मंदिर में, प्रासाद में चल और अचल दोनों ही प्रतिष्ठा हो सकती है। मुख्य रूप से अचल प्रतिष्ठा मंदिरों में होती है, पर चल भी हो सकती है, पर घर में चल प्रतिष्ठा ही होनी चाहिए, अचल प्रतिष्ठा घर में नहीं होनी चाहिए। देखिए विष्णु संहिता में 1469 का ये वचन है, प्रासाद एव तो स्थाप्या या शिला दारु मृणमयी प्रतिमान्या गृहे पूज्या प्रासादे च यथाविधि। ये जो है प्रासादे एव तो स्थाप्या या शिला दारु मृणमयी, ये वही बात कह रहा है, शिला दारुमयी प्रतिमा को तो मंदिर में ही स्थापित करना चाहिए और सब मूर्तियों को घर में स्थापित करना चाहिए, परंतु घर में तो जो अचल मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं लौगाक्षी भास्कर ग्रंथ में, कि गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिर संज्ञिका इत्येते कथिता मार्गा मुनि भी कर्मवादि भी, कर्मवादि भी मुनि भी इत्येते मार्गा कथिता, जो है तत्वदर्शी महामुनियों के द्वारा इस प्रकार से मार्ग कहे गए हैं कि गृहे चला अर्चा विज्ञेया, घर में चल ही अर्चा यानी प्रतिमा मूर्ति को घर में चल रूप में ही रखना चाहिए, चल प्रतिष्ठा करना चाहिए। और प्रासादे स्थिर संज्ञे का, प्रासाद में यानी भवन में, मंदिर में, अलग से जब मंदिर बना होता है वहां स्थिर संज्ञे का प्रतिष्ठा कार्या, स्थिर संज्ञक प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और चल भी प्रतिष्ठा मंदिरों में हो सकती है। तो ये अब कहते हैं घर में कितनी बड़ी मूर्ति को रखना चाहिए, चाहे वे लड्डू गोपाल हो, चाहे लक्ष्मी गणपति हो, या और भी जो है भगवान शिव पार्वती कोई भी हो, सूर्य हो, गणपति हो, तो विष्णु भगवान हो, श्री राम हो, तो कितनी बड़ी मूर्ति को रखे और कितने से कितनी छोटी नहीं होनी चाहिए और कितने से कितनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारे यहाँ विधान है। कहते हैं अंगुष्ट पर्वादारभ्य, मत्स्य पुराण का वचन है, 258 अध्याय का 22वां श्लोक है,
अंगुष्ट पर्वादारभ्य वितस्तेर्याव देवतु ग्रहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः। कहते हैं अंगुष्ट पर्वादारभ्य, ये अंगुष्ट का ऊपर का पर्वा होता है, पर्व, इसको पर्व कहते हैं, ये अंगुष्ठाग्र पर्व, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रतिमा, इससे छोटी नहीं, इससे तो बड़ी, यहां से लेकर के अंगुष्ट पर्वादारभ्य है ना, और वितस्तेर याव देवतु, वितस्ति यानी कि अंगुष्ठ से लेकर के कनिष्ठिका पर्यंत की दूरी को वितस्ति कहते हैं, तो इतनी बड़ी होनी चाहिए, ये 12 अंगुल की होती है। कहीं कहीं प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्र के लिए कहा गया, तो अंगुष्ठ से लेकर के तर्जनी तक की दूरी है, ये 10 अंगुल कहलाती है, इसका संस्कृत में नाम प्रादेश है। तो इतनी बड़ी यानी यहां से लेकर के 1 इंची से 1 अंगुल से लेकर के 10 अंगुल या 12 अंगुल की प्रतिमा को घर में रखना चाहिए, वो भी धातुमयी न तो पाषाणमयी। नाधिका शस्यते बुधैः, पर इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। नार्च्या ग्रहेश्मजा मूर्तिस चतुरंगुलतोधिका न वितस्त्यधिका धातु संभवा श्रेय इच्छता। ये कहते हैं कि नार्च्या ग्रहेश्मजा मूर्ति ही, अश्मजा मूर्ति, पाषाणमयी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, और भी शालग्राम आदि कोई भी हो, बड़े हो तो 4 अंगुल से बड़े नहीं रखना चाहिए, ये भी बात, नर्मदेश्वर आदि भी बहुत बड़े घर में नहीं रखना चाहिए। न वितस्त्यधिका धातु संभवा, और धातु संभव भी यदि घर में रखनी हो तो मूर्ति वितस्ति से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये बात कहा है। तो वही लगे हाथ, ये बात भी आप समझ लीजिएगा कि मंदिरों में भी बहुत बड़ी मूर्ति नहीं है, मंदिर में भी एक प्रमाण है कि इतनी बड़ी मूर्ति ही रखी जा सकती है, उससे बड़ी मूर्ति मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। तो यहां से मूर्ति का प्रमाण प्रारंभ होता है, और यहां द्वादश यानी कि 12 अंगुल 1 वितस्ति तक मूर्ति घर में रख सकते हैं, तो मंदिर में 1 वितस्ति से लेकर के 1 वितस्ति से छोटी मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित करने योग्य नहीं है, वह दूर से दर्शन नहीं होंगे, इसलिए 1 वितस्ति से बड़ी हो और 16 वितस्ति से ज्यादा बड़ी नहीं हो, यानी 16 वितस्ति यानी 8 हाथ। तो यही बात कह रहे हैं आगे मत्स्य पुराण में उसी अध्याय में, आगे के श्लोक में 23वें श्लोक में 258वें अध्याय में कि आषोडशात् प्रासादे कर्तव्यानाधिका ततः, प्रासादे यानी मंदिर में भी जो है आषोडशा 16 यानी 16 वितस्ति तक 8 हाथ तक की ही मूर्ति को करना चाहिए। नाधिका कर्तव्या, इनसे बड़ी भी बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना, फिर भोग लगाना पूजन करना वो सब व्यवस्था नहीं बनेगी, इसलिए शास्त्रकार उसको मना करते हैं कि भाई घर में इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो घर में कितनी बड़ी मूर्ति हो, बाहर कितनी बड़ी मूर्ति हो, और उनकी पूजन की विधि कैसी हो, ये सब शास्त्रों में हमारे यहाँ पहले से ही वर्णन कर दिया गया है कि मूर्ति की स्थापना कैसे कैसे करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, और उसकी क्या क्या मर्यादा है, कैसे रखना है ना। तो इसी बीच में देखिए शालग्राम की प्रतिमा को घर में रखा जा सकता है, पर शालग्राम को पीछे बतला दिया गया है कि माताएं बहनें इसका स्पर्श न करें, इनके लिए निषेध है। तो अब ये लड्डू गोपाल जी की जैसी बात है तो प्रतिमा की प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए, है ना। तो यदि प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो गई है, लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा करके और उनको घर में रखा जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है, ले जा सकते हैं, क्योंकि घर में चल प्रतिष्ठा करने का उद्देश्य ही यही है कि कब कोई कभी गृही बाहर जाए तो उनको ले जा सके, पर ले जाने में मनमानी विधि से नहीं, पवित्रता से उनको ले जा सकते हैं। और अब कहीं ले गए फिर जा कर के किसी स्थान में रख करके विधिवत पूजन करना है, ऐसा नहीं है कि उनको ले करके घूमना है ये सब करना है। तो आजकल माताएं ये सब लोगों को देख करके ऐसा ये कि ये चल पड़ा है
कि हर माता बहन वो जो है लड्डू गोपाल को लेकर के और वात्सल्य भाव से पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये शास्त्रों में निषेध नहीं है कि वो अपनी मूर्ति को रख सकती हैं और उतने ही प्रादेश मात्र की छोटी मूर्ति को रख सकती हैं और उसकी भावनात्मक दृष्टि से पूजा कर सकती हैं, तो वो तो ठीक है कि वो विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण के आकार में है तो पूज्य है ना, और वो उनका भी अर्चन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि से वो प्रतिष्ठित हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए मुख्य रूप से प्रतिष्ठा करा करके ही और उनका अर्चन बंधन करना चाहिए, परंतु उनके साथ को उनको साथ में सुलाना, कहीं भी ले जाना, भक्ष्यावक्ष्य पदार्थों का भी भोग लगा देना है ना, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ शुद्ध अशुद्धि का विचार न करके और कहीं भी ले जा रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, इसकी तो शास्त्रों में निंदा की गई है। इसलिए वे हमारे प्रियतम हैं, प्रेष्ठ हैं, पुत्र हैं, इस वात्सल्य को रखते हुए भी वे ईश्वर हैं और वे हमारे परम आराध्य हैं, जगन नियंता जगदीश्वर हैं, और इसमें जो है भावना जो हमारी सिद्ध है, ये भावना शास्त्रों के आधार पर ही सिद्ध है, ये बात को भी नहीं भूलना चाहिए। तो मुख्य बात ये है, ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादित है कि मूर्ति का कैसे नियम हो, ये तो सब आप जानते ही है, बड़े विधान है शास्त्रों में, सुना ही होगा आप लोगों ने कि मूर्ति का कितना विधान है, किस तरीके से पूजन होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। आजकल मंदिरों की मर्यादा जो है सुरक्षित नहीं है, इसीलिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने नारा दिया था कि मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। हम लोग रोज बोलते हैं मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, आजकल मंदिरों की मर्यादा कहाँ सुरक्षित है, हर व्यक्ति मंदिर में जाना चाह रहा है, हर व्यक्ति मंदिर की मूर्ति का स्पर्श करना चाह रहा है, और वो मूर्ति भी जो है अवैध रूप से प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा भी करने के कौन अधिकारी है, कौन नहीं है, कैसे होनी चाहिए, बहुत विधान है। इसलिए प्रतिष्ठाएं बहुत समझ करके करनी चाहिए और मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रखनी चाहिए। हर मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो है किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है, चाहे कोई भी हो, मंदिर में केवल पुजारी लोग ही जाएं और समस्त जाति वाले, समस्त वर्ण वाले सभी लोग बाहर से ही भगवान का दर्शन करें, मूर्तियों का स्पर्श नहीं करें। बार बार स्पर्श करने से, शुद्धा शुद्धि में भी स्पर्श करने पर या कोई अन्य बहुत लोगों के स्पर्श करने पर मूर्ति में से देवत्व चला जाता है। तो मूर्ति में देवत्व कैसे आता है और कैसे चला जाता है, ये सब भी शास्त्रीय विधा है, तो इन सब को भी ध्यान रखते हुए और शास्त्रीय मर्यादा का ही पालन करना चाहिए। तो जितना हो सके माता बहनें भी लड्डू गोपाल जी के साथ में भी मर्यादाओं को निभाएं, हर जगह और हर बात नहीं करें, तो ये सब उनके लिए भी और स्वयं समस्त देशवासियों के लिए ये ठीक है, मुख्य है, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा पालन करने में ही कल्याण है। हर हर महादेव।